कुछ पैक हो गया है, स्नो से कुछ भी नहीं दिख रहा, फॉग ही फॉग हो गया है। ये है इनका होम स्टे घर सा। अगर ये पूरी रात स्नोफॉल होता रहा दोस्तों तो 1-2 फुट रोड में ही हो जाएगा एंड ये रोड कल सुबह के लिए बंद हो जाएगा। कल सुबह का भी मैं आपको अपडेट बताता हूँ, बट फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं मनाली रंगड़ी। यहाँ से नीचे उतरना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये है गाइस हमारा चिकन सूप, बर्फ में इसका मजा लेंगे। ये देखो यार, ये सामने ओल्ड मनाली का ब्रिज है एंड यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को जाम लग गया है। ऑटो तो भाई रुकी नहीं रहा, ऑटो भी बर्फ में बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे दोस्तों ये स्किड नहीं, बिल्कुल नहीं होते। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक नए ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आया हूँ मनाली से ऊपर सोलांग वैली के साइड में। इस साइड है पलचान मैन हाईवे एंड सोलांग वैली का रोड भी उस साइड है, बट अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ आपको कुछ भी व्यू इधर सराउंडिंग कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं आया हूँ मेरे दोस्त के होटल में, थोड़ा सा उससे मिलेंगे। यहाँ से कुछ काम था, 3-4 हम लोग भाई लोग आए थे यहाँ पे एंड यहाँ पहुँचे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। तो पहले मेरा मनाली में मन नहीं था बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मनाली में स्नोफॉल नहीं हो रहा था, ऊपर ऊपर ही हो रहा था। पिछले कल भी स्नोफॉल हुआ था, काफ़ी स्नोफॉल हुआ है पिछले कल भी, बट मनाली में नहीं हुआ था, बट आज कंटिन्यू हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक स्नोफॉल। अभी आप देख ही सकते हैं मेरे सामने कि अभी मैं मनाली में ही हूँ, मनाली से थोड़ा सा ऊपर 4-5 किलोमीटर। भाई पूरा एंजॉय कर रहा है एंड यहाँ तक आना है तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको चाहिए 4x4 गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आपको 4x4 ही दिखेगी। बर्फ इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली और कोई गाड़ी यहाँ पे काम नहीं करती। यार अभी जिस लोकेशन पे आया हूँ ना वो उनका घर ही है, यहाँ पे होम स्टे ही बना रहे हैं, तो चलाते हैं यहाँ पे। एंड जो व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं, स्नोफॉल तो हो ही रहा है एंड सब कुछ पैक हो गया है, स्नो से कुछ भी नहीं दिख रहा, फॉग ही फॉग हो गया है। ये है इनका होम स्टे घर सा। बर्फ यहाँ पे दिखा दूँ आपको तो 1-1.5 फुट बर्फ हो गई है। हेलो भाई लोग अपने साथ ही आए हैं दोस्तों। स्नोफॉल को कंटिन्यू जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो हम लोगों को यहाँ आके 1-1.5 घंटा हो गया है एंड स्नोफॉल कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। आई होप कि ये स्नोफॉल सुबह तक कंटिन्यू ऐसा है, तब मनाली में कुछ ज़्यादा स्नोफॉल होगा। मैंने आपको बताया था अभी मैं पलचान में हूँ, पलचान से थोड़ा सा नज़दीक एक गाँव है बुरुआ। ओए ओए ओए, कुत्ता दौड़ा बिल्ली के लिए यार, ये देखो, रहने दे मत कर, बेचारी बिल्ली को खा लेता ये भी। एंड दोस्तों जब हम लोग आए थे तो बर्फ़ बिल्कुल कम थी एंड अभी आप देख सकते हैं बर्फ़ ऑलमोस्ट 1 फुट के करीब करीब यहाँ पे हो गई है। आई होप कि मनाली तक बर्फ़ हो रहा होगा एंड उससे भी नीचे होगा तो और भी बेटर है। सब लोग अपने अपने घरों में पैक हो गए यार, हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से। अभी मैंने आपको बताया था ये अपने दोस्त का ही होम स्टे है यहाँ पे घर से, तो उनके पास थोड़ी देर आए थे यहाँ पे, कुछ काम था भाई लोगों को, तो अभी हम लोग काफ़ी बैठे, अभी सूप पियेंगे उसके बाद चलेंगे वापस। अभी थोड़ा सा आपको अंदर दिखाता हूँ, इनका जो होम स्टे है बहुत ही कोजी एंड बहुत सही है यार, डिलक्स रूम की तरह है। ऊपर 2 BHK है एंड नीचे इनका अपना पर्सनल है, रूम है, किचन है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, तो भाई मज़े लगे हैं आज, स्नोफॉल जब से हो रहा है तब से लेकर यहीं पे बैठा है। ठंड नहीं लग रहा है क्या? इसको ठंड नहीं लगता, कुत्तों को ऐसे भी यार बर्फ़ होता है तो इनको ठंड बिल्कुल नहीं लगता। फिलहाल अंदर बैठे हैं भाई लोग। अच्छा सूप चला है, सूप के मज़े ले रहे हैं। रूम जो है बहुत गर्म हो गया यार, हीटर के भाई मज़ा ही कुछ और है यहाँ पे। हाँ जी चले फिर घर, इधर ही बैठना है, बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी यार, अभी निकलना पड़ेगा वापस। ये है गाइस हमारा चिकन सूप, बर्फ में इसका मज़ा लेंगे। हाँ प्रेशर को
दोस्तों अभी निकल रहे हैं वापिस यहाँ से, काफी देर बैठे यहाँ पे, भाई लोगों ने अच्छी सेवा की यहाँ पे, सूप पिलाया, चाय पिलाई एंड काफी फन किया यहाँ पे। एंड अभी अंधेरा भी हो गया है बाहर, तो बर्फ भी ज्यादा हो गई है। ओके ब्रो, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। भाई बर्फ अब थोड़ा कम हो गई है। क्या हो गया कम? रुक जाओ, बस अंदर आ जाएगा बर्फ, बस अंदर आ जाएगा बर्फ, कम लेगा, बस हो गया, बस 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 बस, अरे जूते गीले हो जाएंगे ब्रो, बस कर यार, इधर ही यार, बस 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 बस। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत ही प्यारा होम से है इनका, अभी आपको शक्ल नहीं दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा काफी हो गया है एंड गाड़ी पे भी उन लोगों ने नीचे लगा दिया है, तो अभी चलेंगे वापस। ये है भाई लोगों का प्यारा सा घर सा होम से। मनाली से थोड़ा हटके है इनका होम स्टे, दोस्तों आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दूंगा इनका लिंक में डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। बस ब्रो, बस ब्रो। ओ भाई इतनी ज्यादा बर्फ हो गई है रोड पे, देख लो। ओ भाई जब हमने गाड़ी पार्क की थी तब बर्फ बिल्कुल कम था यार, अब बर्फ काफी ज्यादा हो गई है, अंधेरा हो गया पूरा चारों साइड। एंड अपना दोस्त देखो मान ही नहीं रहा, स्नोफॉल खेलते खेलते अभी तक छोड़ ही नहीं रहा इन लोगों को। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पे नए हो तो, ताकि आगे भी आपको मनाली में स्नोफॉल एंड मनाली के टूर जो होते हैं उनके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फिलहाल अभी चलना पड़ेगा घर, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी है नीचे मनाली मार्केट में एंड यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोगों को 6-7 किलोमीटर नीचे, तो उसके बाद जाएंगे घर, तो अभी 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचते पहुँचते। बट हमारे पास जिप्सी है तो दोस्तों ये पूरा बैकअप है स्नोफॉल का, कहीं पे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 फुट बर्फ हो तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो, ये देख लो ऐसे चलती है 4 व्हील गाड़ी यार, रुकती ही नहीं है जितनी मर्जी बर्फ हो। भाई रुक जाओ यार, मुझे भी लेके चलो। ठीक है भाई, बाय ओके। ओ माय गॉड भाई, बुरी तरह स्नोफॉल हो रहा है यार, जिप्सी के पूरे मजे ले रहे हैं क्योंकि गाड़ी कहीं भी नहीं फंसती है, तो नो प्रॉब्लम जितना मर्जी बर्फ हो, पर सामने पता ही नहीं लग रहा कि मतलब अभी पहुंचे कहाँ हैं, किधर पहुंचे भाई, कौन सा नहर, नहर नहीं नहीं नीचे से ही चलते हैं, हाँ नीचे से ही चलो भाई। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड मनाली में, बुरुआ से आ गए थे ओल्ड मनाली पहुंच गए हैं, बट स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं रह रहा, कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है एंड हम लोग यहाँ पे जाम में फंस गए थे क्योंकि सारी गाड़ियाँ रुक गई है, कहीं ना कहीं फंस रही होगी गाड़ियाँ, तो आगे जाम हो गया है। ये देख लो यार, ये सामने ओल्ड मनाली का ब्रिज है एंड यहीं पर थोड़ा सा आप लोगों को जाम लग गया है। ऑटो तो भाई रुक ही नहीं रहा, ऑटो भी बर्फ में बिल्कुल नहीं मानता, ऐसे दोस्तों ये स्किड नहीं बिल्कुल नहीं होते। अरे हमारी गाड़ी के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ यार, कितनी ज़्यादा बर्फ हो गई है, देख लो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई।
फाइनली मनाली जो है पूरी तरह स्नो से पैक हो गई है दोस्तों। वोल्वो बसेस निकल गए हैं रात को मनाली से दिल्ली के लिए। यहाँ पे मनाली में आपको दिखाते हैं कितने बर्फ़ गिरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी तो यहाँ पे कम गिरी है। कल सुबह का कुछ अलग भी हो सकता है, कल सुबह का भी आपको मैं अपडेट करवाऊँगा कि कैसा रहेगा। फ़िलहाल अभी जाना पड़ेगा घर एंड यहाँ से जाएंगे ऑल्टो में मेरे दोस्त के साथ, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा भी हो सकती है तो यहाँ पर फंस भी सकते हैं। रात को तो अब ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है दोस्तों इसने, ये बहुत अमेजिंग स्नोफॉल हो रहा है। कैमरे के ऊपर बर्फ़ गिर गई यार। अगर ये पूरी रात स्नोफॉल होता रहा दोस्तों तो 1-2 फुट रोड में ही हो जाएगा एंड ये रोड कल सुबह के लिए बंद हो जाएगा। कल सुबह का भी मैं आपको अपडेट बताता हूँ, बट फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं मनाली रंगड़ी। यहाँ से नीचे उतरना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि बर्फ़ जो है रोड में जम हो रही है, तो गाड़ी आराम आराम से ही निकालेंगे।